हाँ, तो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देसा ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी कहानी को अच्छे से सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले जाकर के आप पूरी कहानी को सुन लें। इसमें हम लोग कक्षा 10 के जो हिंदी बुक है उसका दूसरा नंबर अध्याय, नाम है विष के दांत। विष के दांत का हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से करें। अगर आप लोगों ने पूरी कहानी सुन ली है तो इसमें 39 क्वेश्चंस हैं और मेरे ख्याल से आपको एक भी क्वेश्चंस के जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं आंसर देने के लिए? यस, बिल्कुल तैयार हैं। तो आ जाइए मेरे प्यारे सरणियों, फटाफट से आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? रचयिता का मतलब लेखक होता है। अमरकांत हैं, नलिन विरोचन शर्मा है, यतीन्द्र मिश्र हैं या फिर मैक्स मुलर? तो हमने आपको पढ़ाया था कि विष के दांत कहानी के लेखक नलिन विरोचन शर्मा जी हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ट्रिक बताया था हमने। नेक्स्ट है, नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। तो आपने अगर मेरी पूरी कहानी अच्छे से सुनी है तो मैंने उसमें सब कुछ बताया था ना कि 1916 में, 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सिमरिया में, बलिया में, उन्नाव में या पटना में? याद कीजिए कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। हाँ सर, याद आ गया, आपने बताया था कि जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। अब जिसने ये हमारी कहानी नहीं सुनी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके कहानी सुन लीजिए पूरा अच्छे से। अगर कहानी सुना है तो आप आराम से आंसर करो। विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन है निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है? है ना, तो हमने क्या बोला कि विष के दांत जो है ना, ये सब कहानी में ही अच्छे लगते हैं। कहाँ अच्छे लगते हैं बताओ? कहानी में अच्छे लगते हैं, तो यह एक कहानी है। क्वेश्चन हमारा आता है जी 5, गिरधर लाल का बेटा कौन था? खोखा, कासु, मदन या आलो? ठीक है ना, तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि गिरधर लाल जो है ना, वो सेन साहब के यहाँ पर किरानी था और उसका जो बेटा था उसका नाम क्या था? बेटा का नाम मदन था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं या मछली? है ना, तो खोखा को हमने इसी कहानी में पढ़ा है जिस कहानी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, विष के दांत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि मदन किसका बेटा है? सेन साहब का, गिरधर लाल का या सोफर का या अखबारिन व, है ना, विष का? तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो है ना, ये गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? 2, 3, 4 या 5? तो पूरी कहानी में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि सेन साहब की टोटल 5 लड़कियाँ थी और एक बेटे थे, है ना। इसका नाम भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। नाम देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी बेटियां थी? हैं गिरधर लाल की, सोफर की, सेन साहब की या पत्रकार महोदय की? तो ये जो पांचों की पांचों जो बेटियां थी, ये किसकी बेटी थी? बिल्कुल सही कहा आपने, सेन साहब की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तारा कौन सा है? मदन है, खोखा है, रजनी है या शेफाली है? है ना, तो नाउमीद आंखों का तारा जो है ना, हमने आपको लिख करके बताया था, नाउमीद आंखों का तारा जो था वो खोखा था। किसके लिए? अपने पिताजी के लिए। क्वेश्चन आता है 11 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने, किसके अनुसार, सेनों का मतलब है कि सेन साहब और उसकी पत्नी, सेनों का मतलब है सेन साहब और उसकी पत्नी, सिद्धांतों को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार? देखिए, जितने भी सिद्धांत घर में बनाए गए थे वो सारे बेटी पर तो लागू होते थे, लेकिन बेटा यानी खोखा पर लागू नहीं होता था, तो खोखा के अनुसार सिद्धांत को बदल लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? हंस रहे हैं आप लोग, हाँ, कहानी सुन के आए तो ज़रूर हंस रहे होंगे। कहानी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लीजिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? तो खोखा का दांत हीरो जो था मदन, मदन ने ही इसके दांत तोड़े थे, है ना, याद है ना। यस सर, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7,500,000, है ना। तो उसकी जो कार थी उसकी कीमत मैंने आपको बताया था 7,500 रुपये, यानी हम कह सकते हैं 7,500। क्वेश्चन नंबर आता है 14 कि सेन साहब की आँखों का तारा कौन है? कार है या खोखा है या खोखी है या कोई नहीं, है ना।
तो सेन साहब की जो आँखों का तारा था वो कौन था? उसका खोखा था। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका होगा, खोखा था, है ना। कई जगह आप लोग कन्फ्यूजन यहाँ पर कार में भी करोगे, ठीक है ना। तो खोखा उसकी आँखों का तारा था, ऐसे वो कार को भी कहता था, लेकिन खोखा मीन होगा। नेक्स्ट है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। देखो उसके घर में जो मोटर था ना, उसको खतरा किससे था? आपको पता है उसका जो बेटा था वो इंजीनियर बनना चाहता था और हमेशा गाड़ी को मतलब कि ठोक ठाक गाड़ी में करते रहता था। हंस रहे हैं आप लोग जी, है ना। तो मोटर गाड़ी को जो अगर खतरा था तो वो खोखा मदन सीमा सेफाली। देखिए मदन ने एक बार टच जरूर किया था, लेकिन मदन से गाड़ी को कोई खतरा नहीं था। गाड़ी को जब भी खतरा था वो खोखा से ही था, क्योंकि ये उसमें इंजीनियर का, है ना, उसमें छूछा करते रहता था हमेशा। सेन साहब की नई कार किस रंग की थी? सफ़ेद रंग की, काली रंग की, नीली रंग की या लाल रंग की, है ना। तो पूरी कहानी मैंने आपको बताया कि सेन साहब की जो कार थी वो काली रंग की कार थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश, है ना, इस गद्यांश के लेखक कौन हैं, है ना। हमने आपको अच्छे से बताया था ना ये वाला, कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में कौन जीतते हैं? महल वाले ही जीतते हैं। कब? जब झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी नहीं, अमरकांत नहीं, नलिन विलोचन शर्मा या अशोक वाजपेयी। तो इस पार्ट के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट हमारा आता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के? तो ये जो विष के दांत कहानी है ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए अंतर विरोधियों को उजागर करती हैं तो याद रखिएगा निम्न वर्ग का, ठीक है ना। क्योंकि मदन जो था वो निम्न वर्ग का था और उसके पिताजी को बिना किसी गलती के सेन साहब ने कार्य से निकाल दिया था। क्वेश्चन है हमारा कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन और इंजीनियर और पत्रकार, है ना। तो आप लोगों ने अगर कहानी सुना है तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? याद है आपको? चलिए, मदन ने, कासू ने, सोफर ने या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सेन साहब की जो नई कार थी जो काले रंग की थी उसकी पीछे का शीशा चकनाचूर करने वाले उसके बेटे थे, जिसका नाम कासू, या इसी को हम लोग खोखा कहते हैं। कासू का ही दूसरा नाम क्या था? खोखा नाम था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि खोखा के पिता कौन थे, है ना। है गिरधर लाल, सेन साहब, पत्रकार या अखबारीन, है ना, अखबारन वीस, है ना। तो इसके जो पिता थे वो सेन साहब थे, क्योंकि इसके बेटे का नाम था खोखा। नेक्स्ट हमारा, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो नियम बनाए गए थे वो घर के नियम अलग थे और दूसरी तरह की शिक्षा किसे दी गई थी? बेटियों को, है ना, बेटियों को दूसरी तरह की शिक्षा दी गई थी। देखिए आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे यहाँ पर कि आंसर सर मदन खोखा होना चाहिए, नहीं। देखिए दूसरी तरह के जो घर के नियम थे और उनको जो शिक्षा दूसरी तरह की दी गई थी वो थी उनके बेटियाँ, उनकी बेटियों को दूसरी तरह की शिक्षा दी गई थी, है ना। जब तक आप नियम पढ़ेंगे तो आंसर लगेगा आपको खोखा होना चाहिए, लेकिन जब पढ़ेंगे दूसरी तरह की शिक्षा तब आंसर होगा बेटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था, ड्राइवर था, अकाउंटेंट था, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि गिरधर लाल के यहाँ पर जो था ये क्या था, गिरधर लाल इसके यहाँ पर क्या था, किरानी का काम करता था। नेक्स्ट है, हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो देखिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो नलिन विलोचन शर्मा हैं, तो यहाँ ना ऑब्वियसली बात है कि इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा ही होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आंसर यही होंगे। नेक्स्ट है, किनकी लड़कियाँ तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? गिरधर लाल की, डॉक्टर साहब की, सेन साहब की या इंजीनियर साहब की, ठीक है ना। तो देखिए बेटियों को इतनी ज़्यादा तहजीब सिखाया था किसने? सेन साहब ने। तो किनकी लड़कियां तहजीब की जीती जागती मूरत थी? तो सेन साहब की थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की बहनें, खोखा की बहनें, लेखक की बहनें या सेन साहब की बहनें? तो देखिए ये जो पांचों पुत्री है आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो पांचों लड़की है ये सेन साहब की बेटी थी, ये सेन साहब की कौन थी, बेटी थी।
और इसी का एक बेटा भी था जिसका नाम था खोखा। इसका मतलब हुआ कि ये जो बहन था ये खोखा, ये जो सारी बहनें थी वो किसकी थी, खोखा की बहनें थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले, झोपड़ी वाले या कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर छूट गया है, सी में यहाँ पर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा, दोनों। देखिए महल और झोपड़ी वालों की जब भी लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। नेक्स्ट है कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है। ये तो भी अपने अपने आपने देख ही लिया ना कि कौन सी कहानी मध्यम वर्ग को उजागर करती है, उजागर करती है। देखिए मध्य वर्ग यहाँ पर निम्न वर्ग भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर वही मारते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विष के दांत या नागरी लिपि। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, विष के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर क्वेश्चन, मध्यम वर्ग के अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी। हो गया ये क्वेश्चन तो, हो गया दो बार आ गया, सॉरी। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि इसका जो मेन हीरो आप कह सकते हो, मेन एक्टर आप कह सकते हो, इसका मेन एक्टर कौन है। हंस रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए कौन सा है, गिरधर लाल, सेन साहब, खोखा या सेन साहब की पत्नी। तो इस कहानी में जो मेन पात्र है ना, जो मेन पात्र है वो कौन सा है, वो है हमारा, वो हमारा कौन सा है, खोखा। खोखा इसका मेन पात्र, सॉरी हीरो नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हीरो अगर पूछा जाए, अगर नायक पूछा जाए इसका नायक कौन है, तो नायक में आंसर मारेंगे मदन का, लेकिन मेन पात्र जो है जिसके बारे में बोला गया ये खोखा है। कौन है, खोखा है। ठीक है, अगर मदन होता तो इसका ऑप्शन दिया होता, मदन नहीं है, क्योंकि अगर प्रमुख पात्र पूछे तो आंसर मारिएगा खोखा, और नायक पूछे तो आंसर मारिएगा मदन, आंसर मारिएगा मदन। क्या मारिएगा, बोलिए मदन। नेक्स्ट है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं। ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो कासू और मदन के बीच की लड़ाई को कहते हैं बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। अगला देखिए, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है। खोखा के जब मदन दांत तोड़ देता है तो गिरधर लाल यानी कि मदन का पिता उसे क्या करता है। ऑप्शन पढ़िए, गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथों में उठा लेता है, या घर से भगा देता है। देखिए जब कार को छूने में लड़ाई हुई थी तो उसकी बहुत पिटाई की गई थी, लेकिन जब इन्होंने दांत तोड़ा तो उन्हें नहीं मारा गया, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे, दूर के रिश्तेदार कौन थे। पहला है गिरधर लाल, मुखर्जी साहब, सोफर या फिर अखबारन वीस। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके रिश्तेदार तो गिरधर लाल नहीं थे, ये तो इसके किरानी थे। सोफर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ड्राइवर था वो, तो मुखर्जी साहब या फिर अखबारन वीस। तो इसके जो रिश्तेदार थे दूर के वो अखबारन वीस है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, सॉरी। नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, ठीक है ना, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, पटना हाई स्कूल में, या फिर BN कॉलेजिएट स्कूल में। देखिए इसका जन्म पटना में हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है इसके आंसर में पटना आएगा, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा, नलिन विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं यानी कि प्रिंसिपल कहाँ कहाँ के रहे हैं, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, रांची विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, या इनमें से सभी के। ठीक है ना, तो नलिन विलोचन वर्मा है ना, नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हर जगह या ये तीनों जगह यहाँ पर इन्होंने प्राध्यापक के रूप में रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये भी आपको नहीं पढ़ा, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे पढ़िए। काली चमकती हुई स्ट्रीमर रंग की नई कार किसकी थी। ऑप्शन है इंजीनियर साहब की, अखबारन वीस की, पत्रकार महोदय की, सेन साहब की। तो वो जो काली रंग की कार थी आप सबको पता है कि सेन साहब की थी। नेक्स्ट हमारा आता है 37 की, खोखा मदन के ना, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, एक दांत, दो दांत, तीन दांत, तार है ना, चार दांत। इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, गिरधर की, सेन साहब की, मदन की या सोफर की। तो इस कहानी में मोटर कार किसकी थी, सेन साहब की थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, दुत्कार, प्यार, मार या फटकार। ठीक है ना, तो देखिए मदन, देखो गरीब घर में क्या होता है कि बच्चों को मार खाने मतलब आम बात हो जाता है, अमीर घर के बच्चों को तो बहुत मतलब लालन पालन होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि गरीब घर के सबको मार लगता नहीं,
लेकिन हम लोगों के लिए जितने भी गरीब लोग हैं इसके लिए मार खाना आम बात हो जाता है। तो मार खाना इसके लिए क्या था, एक मतलब मामूली सी बात थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, सारे क्वेश्चंस को किया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि 39 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते थे, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर करना। और आप लोग मुझे ये बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में आपको कहानी बता दिया, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया, और इसका जो तीसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको सब्जेक्टिव बता दूँगा। अगर आप आज ही देख रहे हैं वीडियो, तो आज आपको ये सब्जेक्टिव वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आज एक दो दिन बाद देख रहे हैं, तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से आपको इसका सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी कर लीजिए। जय हिंद, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से इसको एग्ज़ाम आते थे, कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिएगा, 4 से 5 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और देखिए, हमारा जो नोट्स है, ऑल नोट्स के लिए, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर फ्री और पेड दोनों है, पेड लेना है आपको तो 150 पे करके आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, है ना। 150 भी नहीं, 148.81 रुपये कटता है, ऐसे कुछ कटता है, ठीक है ना। आप आराम से ले सकते हैं, हमारा ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग। जय हिंद, अगर चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।